I just do the paying. The wives go and select, and you know, when they want to buy something, we just, you know. But working in the film that we made for Tanishq, it was a great revelation for me, because I was unaware that there are various factors how you grade diamonds. Things like VVS and VS, which you see in the ad, I was completely unaware of that. And while I was talking to the management, they actually told me that part of the exercise in making these firms was to not just, yes, promote the product, but also to educate the people on diamonds. A lot is known about gold, but very little is known about diamonds. And this was a great revelation. Pura showroom jaunga. Lekin waqai ye bahut hi sundar showroom hai aur bahut hi khoobsurti se sajaya gaya hai. Aur main jaisa ki maine abhi kaha, main jab andar gaya to mujhe aisa laga ki ye New York mein ek bahut umda showroom hai, bahut hi prakhyat jewelry store ka, jiska naam hai Tiffany's. Aur mujhe laga ki ye usse bhi behtar. सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है. आपने अपना स्नेह प्यार दिखाया और आपने हमको बुलाया और कहा कि इससे संबंधित हो जाइए. हमें अच्छा लगा कि हम जो कर रहे हैं डायमंड जो है वो सही है कि देवियों को पहन करके उनको उनके सौंदर्य को बढ़ाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल करके एक इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है, क्योंकि डायमंड का जो मूल्य होता है वो ऐसा माना जाता है कि बढ़ता ही चला जाता है. तो एक तरह से ये एक इन्वेस्टमेंट भी होता है. उतना ही वॉलेट दूंगा जितना मैं चाहता हूं कि खाली हो. वो भोजपुरी भी होना चाहिए, बंगाल में भी सौरभ गांगुली कर रहे हैं वो भी होगा, हमारा हिंदी में हो रहा है वो हिंदी में होगा. बहुत अच्छा रहा. हमने बल्कि जहां तक मेरा ख्याल है, कभी खुशी कभी गम के बाद एक साथ पहली बार आया कैमरा के सामने, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक साथ काम करने में हमने कई फिल्में की हैं एक साथ, तो हमें लगा कि अब बहुत हो गया और नहीं करना चाहिए. लेकिन जब उस दिन हमने काम शुरू किया तो जया ने भी ऐसा व्यक्त किया और मैंने भी कहा कि नहीं, हम लोगों को तो और काम करना चाहिए. तो इस एड के जरिए ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले दिनों में या सालों में एक साथ किसी फिल्म में भी काम करें. जय को ही नहीं, किसी भी महिला को गिफ्ट देने से पहले बहुत सोचना पड़ता है. मैं बहुत सी ऐसे पदार्थ हैं जिनको मैं एंडोर्स नहीं करता हूं. शराब, सिगरेट, पान बहार, मसाला, इन सब चीजों को नहीं करता हूं, क्योंकि मैं एक जमाने में पेप्सी करता था. और फिर मैं एक बार जयपुर गया किसी एक फंक्शन के लिए, एक बच्चियों का स्कूल था उसका उद्घाटन करने गया, और वहां पर इसी तरह जब महफिल खोल दी गई प्रश्न उत्तर के लिए, तो एक छोटी बच्ची वो खड़ी हुई, उसने कहा अमिताभ जी आप ये कोला को एंडोर्स करते हैं, हमारे स्कूल में हमको पढ़ाया जाता है कि ये अच्छा पदार्थ नहीं है, ये शरीर को खराब करता है, आप क्यों करते हैं ऐसा. वो मुझे बुरा लगा और उसके बाद मैंने फिर उस पदार्थ को एंडोर्स नहीं किया. इसी तरह जो भी चीज मैं समझता हूं कि मेरे अपने स्वास्थ्य के लिए या अपने नजरिए से जिसको मैं देखता हूं वो सही है, उसे मैं करता हूं. मुझे ऐसा लगा कि डायमंड एक ऐसी चीज है जिसको कि जिसके साथ संबंधित होना चाहिए, वो भी तनिष्क जैसा कंपनी और जिसका रेपुटेशन इतना है, और इसलिए मैं इसके साथ संबंधित हूं. जी मैं यहां हूं यहां पर क्योंकि मैं डाबर खाता हूं.